लावारिस गोवंश की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने लालकुआ तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 3 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लावारिस गोवंश को तहसील परिसर में लाकर बांध दिया जाएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के नेतृत्व में ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लावारिस गौवंश से क्षेत्रीय जनता को जान माल, फसलों और सड़क दुर्घटनाओं से हो रहे नुकसान से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए प्रशासन से 3 सप्ताह में समस्या का समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, अगर 3 सप्ताह में आवारा गौवंश की व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामीण आवारा गौवंश को हाँक कर तहसील परिसर में बांध देंगे। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि गौ रक्षा कानून बनने के बाद पशुपालकों के मवेशियों की बिक्री नहीं होने से पशुधन को आवारा छोड़ना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गौ रक्षा कानून के कारण आवारा हुए गौवंश की व्यवस्था शासन प्रशासन करे, साथ ही किसानों, पशुपालकों, राहगीरों के नुकसान और सड़क दुर्घटनाओं का मुआवजा दिया जाए। तहसीलदार लालकुआ ने आश्वासन दिया कि मामले पर जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपसे भी आह्वान करना चाहते हैं, आप भी शामिल हो। अभी इंटेलिजेंस वाले जैसे थे, हम कह रहे हैं आपको भी शामिल हो, क्योंकि गाय एक जानवर है, वो नहीं जानता है कि आप पत्रकार हैं, आपको सिंह नहीं मारना है। इसलिए इस शहर में अगर जो गाय आवारा सांड जो घूम रहे हैं वो बच्चों को भी मार रहे हैं, तो दुकानदारों को भी मार रहे हैं, तो दुकान के आगे भी वो गंदगी फैला रहे हैं और हमारी फसलों को भी खा रहे हैं। तो इसलिए पूरा समाज का जो ताना बाना है, जो हमारा एक जो इनकम का एक साधन था या जो हमारी रीढ़ थी गैया इनकम की, जो आम जो गरीब आदमी की जो पशुपालन, उस पशुपालन को छीनने के लिए जो सरकार ये गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 जो बनाया है, ये हमने लगातार मांग की है। हमने पहले जो जो पहला सत्र विधानसभा का हुआ था 2022 में, इसी तहसील परिसर से उसको मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा कि भाई इनको इस उसको जो है रद्द किया जाए, यदि आप इसको रद्द नहीं करते हैं तो सरकार इसको खरीदे, तो गाय का एक निश्चित मूल्य रख ले। जैसे अगर कोई लेनी गाय है, लेनी का रेट अलग रख दे, उसका 10,000 रख दे, बाखड़ी गाय का। किसान हो, राहगीर हो या दुकानदार हो, लगातार हम देख रहे हैं कि खेती किसानी चौपट है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर के लोग लगातार उठा भी रहे हैं। हम लोगों ने ही पहले भी मुख्यमंत्री जी को भी तमाम लोगों को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है, असंवेदनशील बनी हुई है। तो आज एक चेतावनी देने के लिए यहाँ ग्रामीणों के साथ हम आए हैं, भाकपा माले की ओर से, किसान महासभा की ओर से, कि अगर 3 हफ्ते के भीतर इस पूरे क्षेत्र में, लालकुआ बिंदुखट्टा के क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं, आवारा गोवंश है, जो सरकार की नीतियों के कारण आवारा हुआ है, उसकी सरकार जिम्मेदारी ले, प्रशासन उसकी व्यवस्था करे, और अगर नहीं हुआ तो 3 हफ्ते के बाद इसी लालकुआ तहसील में ग्रामीणों को जो तमाम आवारा गोवंश हैं, तमाम पशु हैं, उनको ला करके हम तहसील में बांधेंगे। ये हम लोगों को मजबूरी में करना है और ये मांग है कि जो भी आवारा हो चुके हैं उनको व्यवस्था करें और अभी सरकार ये घोषित करे कि हम जो पशु हैं उनका एक मूल्य निर्धारित करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि गाय की रक्षा करनी है तो गाय की तो बेकदरी हो रही है, खेती किसानी की बेकदरी हो रही है और इसमें कोई गाय की रक्षा नहीं हो रही है, तो पूरा पशुपालन बिल्कुल तबाह कर दिया। यानी छोटे किसान, छोटे कसाई, छोटे व्यापारी सब तबाह हैं। कुल मिला के बड़े रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।